Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Ship with Krati. In this video, we are going to continue our chapter 9 of political theory of class 11th NCERT. Our chapter 9 name is Peace, Shanti. Let me start with first point, which is introduction. Introduction, pehle hum peace ke baare mein jante hain. Peace ka matlab hota hai shanti. Actually, कई सारे कमेंट्स आए कि चैप्टर जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है. दैट्स व्हाई आई ट्राई टू मेक इट सिंपलर एज मच एज पॉसिबल. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट. तो पीस में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या कॉजेस हैं जिसकी वजह से जो पीस है वो इतनी ज्यादा सभी के द्वारा पसंद की जाती है. सेकेंड इज पीस कैसे इस्टेब्लिश करें. क्या वायलेंस से पीस एस्टेब्लिश हो सकती है. ऑल दीज क्वेश्चन आंसर वी आर गोइंग टू सर्च इन दिस चैप्टर. इंट्रोडक्शन में जैसे कि अगर हम बात करें पुराने टाइम पे, जैसे कि बाकी टर्म्स हुए, जैसे डेमोक्रेसी हुआ एंड राइट्स हुए, ये सारे वर्ड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हैं उन सारे वर्ड्स से. बट पीस की बात करें, शांति की बात करें, तो कई सारे ऐसे फिलोसफर्स भी हैं उन्होंने टोटली ये बोला है कि ये जो पीस है उससे कुछ हो ही नहीं सकता. जैसे कि उन्हीं में से है एक जर्मन फिलोसोफर निच्चे. उन्होंने कहा है कि अगर आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना है तो कॉन्फ्लिक्ट जरूरी है. कॉन्फ्लिक्ट होंगे थोड़ा सा, मतलब आपके ऊपर कोई जो है एट्रोसिटीज कर रहा है, बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, तो आप चुप रहकर, आप अपने आप को मम रखकर वो उसका जवाब नहीं दे सकते हैं. उसके लिए आपको जो है उसकी अगेंस्ट वॉइस रेज करनी पड़ेगी. दैट मींस आपको कहीं ना कहीं जो है वायलेंस करना पड़ेगा थोड़ा सा. और दूसरे अगर फिलोसफर की माने तो इटालियन फिलोसफर, उनका मानना ये है, उनका भी मानना ये है कि शांति से कुछ नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं जो है आपको वायलेंस का सहारा लेना पड़ेगा. हम वायलेंस के एग्जाम्पल देखते हैं. अब एक बात बताइए, जैसे कि ये फिलोसफर्स का कहना है, थिंकर्स का कहना है, बाकी के आपको पीस से सब कुछ हैंडल नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे इसके अगेंस्ट. दैट मीन्स ऐसा कोई केस ही नहीं है जिसमें पीस से सारा काम हो गया हो. मीन्स टू से दैट कोई ऐसी कंट्री, कोई ऐसा एग्जाम्पल हो, कोई ऐसा इवेंट हो जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि यस, पीस ने जो है मदद की है हमारे इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में. यस, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज महात्मा गांधी. महात्मा गांधी ने जो है पीस का रास्ता अपनाया, उन्होंने नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाया और वो सक्सेसफुल भी हुआ. कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं. एंड कई सारे ऐसे वायलेंसेस के एग्जाम्पल्स, जैसे कि हुआ फासिज्म, राइज ऑफ नाज़िज्म एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके. अभी एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको. जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रहा था उस टाइम पे क्या हुआ, जर्मन सिटीज, मतलब जो जर्मन लोग हैं उन्होंने लंदन में करीब 1000 बॉम्ब गिराए. लंदन में करीब 1000 बॉम्ब गिराए. उसके रिप्लाई में जो ब्रिटिशर्स हैं, मतलब जो ब्रिटिश हैं, उन्होंने भी उनके ऊपर हमला किया. एट लास्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था वो हुआ था कि यूएसए ने जो है जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी में बॉम्ब गिराए थे. तो इस तरीके से जो पीस है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ना, क्योंकि इतने सारे लोगों ने इसके लिए सेक्रीफाइस किया है. इतने सारे लोगों की जब जाने गई हैं तब जो है हमें पीस मिली है. एंड अभी भी जो है 95% लोग जो है उसमें जो मारे गए थे हिरोशिमा एंड नागासाकी में वो सिविलियंस थे, यानी जो वहाँ के नेटिव्स लोग थे, जो वहाँ पे रहते हैं वो थे. उसकी जो न्यूक्लियर रेडिएशन है उसकी वजह से आज भी जो है वहाँ पे कई सारा उसका इफेक्ट देखने को मिलता है. तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से, जिनने एक हमें वजह दी कि जो पीस है वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए. नाउ मूव टू आवर सेकंड पॉइंट, व्हिच इज द मीनिंग ऑफ पीस. मीनिंग ऑफ पीस, शांति से हमारा मतलब क्या है. इफ यू रिमेम्बर्ड, हमने सेकेंड चैप्टर जो था फ्रीडम, उसमें पढ़ा था कि एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट इज कॉल्ड फ्रीडम. मीन्स फ्रीडम इज द एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, मतलब कोई दबाव नहीं हो उसी को हम आजादी कहते हैं. ओके, वो डेफिनेशन आप देखें तो काफी हद तक सही भी है और टोटली सही है. बट अगर हम यहाँ पर देखेंगे ना मीनिंग ऑफ पीस, देन आप कह सकते हैं पीस इज द एब्सेंस ऑफ वॉर, मतलब जहां पे युद्ध नहीं हो वहां पे शांति है. इज इट राइट? आई डोंट थिंक सो. इट्स जस्ट अ पार्शियली राइट. ये जो है कहीं ना कहीं पूरी नहीं है. अब वायलेंस जो है, अब यहाँ पे डेफिनेशन बताती है कि पीस इज द एब्सेंस ऑफ वॉर, मतलब जहां पे युद्ध नहीं हो रहा है वहां पे शांति है.
तो ऐसा नहीं है कि हर जगह पे युद्ध हो तो उसके बाद जो चीज निकल कर आए, शांति निकल कर आए, तो वही शांति हो। आई मीन्स टू से दैट वायलेंस कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि रियोट हुआ, मैस्कर मैस्कर हुआ, एसेसिनेशन हुआ, एंड ये सारे काम जो है वो वायलेंस प्रमोट करते हैं। और बाकी सारी चीजें ये तो हमें विजुअल दिख रहे हैं ना, मतलब दो कम्युनिटी के बीच में जो है दंगा हो गया, हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगा हो गया, तो ये जो है हमें वायलेंस दिख रहा। कई सारे ऐसे वायलेंस भी होते हैं, वो होते नहीं है, मतलब जो वो दिखते नहीं है, वो विजिबल नहीं होते हैं, बट एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हुआ कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे, तो ये सारे जो मीन्स है, मतलब इनडायरेक्ट मीन्स है वायलेंस के, ये हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर में है, तो ये सारे इनको भी आप वायलेंस ही बोलेंगे। तो यहाँ पे जो है पीस की डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, पीस इट्स नॉट ट्रू, पीस इज द एब्सेंस ऑफ वॉर, वॉर किसी और, मतलब जो वॉर से हमारा मतलब है, पीस इज द एब्सेंस ऑफ वायलेंस, मतलब जहां पे वायलेंस ना हो वहां पे शांति होगी। अब वायलेंस जैसे कि दोनों तरह का हो सकता है, या तो इसमें वॉर हो, रियोट हो, एंड ये सारे इंक्लूड हो, या फिर वायलेंस हम जैसे कि इनडायरेक्ट मैंने बताया कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे, तो ये सारे जो है ये हमें डिफाइन करते हैं मीनिंग पीस का। मूव टू आर नेक्स्ट पॉइंट विच इज फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस। एज ए वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट कि जो पीस है उसमें जो है ये सारी चीजें, जैसे कास्ट हुआ, क्रीड हुआ, एंड ये सारी जो जेंडर डिस्पैरिटी हुई, कास्ट डिस्पैरिटी हुई, तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चरल वायलेंस को जो है जन्म देते हैं। स्ट्रक्चरल वायलेंस जो है इससे बढ़ता है। अब इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि पैट्रियार्की हुआ, कम्युनलिज्म हुआ, एंड कॉलोनिज्म हुआ, एंड रेशिज्म, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कास्ट डिस्पैरिटी, आई डोंट थिंक सो आई नीड टू एक्सप्लेन दिस टर्म मच बिकॉज इट्स क्लियर, मीनिंग से ही हमें समझ में आता है। कास्ट डिस्पैरिटी, कास्ट डिस्पैरिटी मतलब दो कास्ट में कास्ट के बेसिस पे अंतर किया जाए, मतलब कोई अपर कास्ट है तो कोई लोअर कास्ट है, उस बेस पे जो है उससे अंतर किया जाए। जैसे कि हम पहले अगर हम एग्जाम्पल लें हमारी एंशियंट हिस्ट्री में, तो पहले के जो लोग थे, जो मतलब जो नीचे दलित लोग आते थे, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं रहता था, तो आज भी कई जगह देखने को मिलता है। तो ये किसके बेसिस पे, ये है कास्ट डिस्पैरिटी। सेकंड इज पेट्रियार्की। पेट्रियार्की होता है एक ऐसा समाज जो मानता है कि जो वुमेन है उनको अपने अंडर कंट्रोल ही रखना चाहिए, एंड इसके कई सारे एग्जाम्पल भी है वुमेन्स के साथ जो वायलेंस होता है, वो इसी सारी जो वुमेन्स के साथ जितने भी वायलेंस होते हैं उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे कि फोइटस ऑफ, मतलब वुमेन फोइटस, मतलब उसको मारना, एंड भ्रूण हत्या, एंड ऑल दीज काइंड ऑफ वायलेंसेस सच एज वुमेन को जो है बाहर काम नहीं करना चाहिए एंड नौकरी नहीं करना चाहिए, ऑल दीज काइंड ऑफ डिस्पैरिटी। तो ये सारे अंतर जो है ये सारे पेट्रियार्की में आते हैं। पेट्रियार्की को आप सिंपल ही बोल सकते हैं पितृसत्ता, और मतलब ऐसा समाज जो वुमेन को उनकी आजादी को देने से मना करता है, मतलब उनको जो अपने अंडर कंट्रोल रखना चाहता है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ पैट्रियार्की। सेकंड इज कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म जैसे कि इंडिया को जो है कॉलोनाइज किया था ब्रिटिशर्स ने, तो ये हो गया एक, उन्होंने पूरे एंटायर ग्रुप को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, उनके जो जितने भी लोग हैं उनके ऊपर अपना डोमिनेशन दिखाना, अपने उनको डोमिनेट करना, तो ये हो गया हमारा कॉलोनिज्म। अगर हम कॉलोनिज्म के अभी के एग्जांपल देखें तो काफी कम है, बट फिर भी हमें मिल जाएंगे, जैसे कि और भी हैं, इजरायली डोमिनेशन देखने को मिलता है, तो ये एग्जाम्पल होगा हमारे कॉलोनिज्म के। और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने भी जो है कई अदर कंट्रीज के ऊपर कॉलोनिज्म किया, कई जगह जो है कॉलोनाइज किया, तो ये एग्जाम्पल है कॉलोनिज्म के। नाउ द लास्ट वन इज रेशिज्म और अ कम्युनिस्ट, नॉट अ कम्युनिस्ट, रेशिज्म। रेशिज्म मतलब, ये भी टर्म जो है काफी ज्यादा फेमस है एंड आई थिंक आपको ये पता होगा, रेशिज्म मतलब किसी को जो है उसके कलर के बेस पे जज करना, कलर के बेस पे जज करना। जैसे कि साउथ अफ्रीका में जो है देखने को मिला, जो काले लोग थे, जो अश्वेत थे, तो उनके साथ जो है कई ज्यादा बुरी तरीके से जो है बिहेव किया जाता था, बहुत ही उनको जो भी उनके राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स थे, जो भी उनके हक थी उन्हीं की कंट्री, बट फिर भी जो है उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। तो ये एग्जाम्पल है रेशिज्म का।
So these are the forms of structural violence. अब यहाँ पे एक question arise हो सकता है that what do you mean by the structural violence and what are the forms of structural violence? So you can write all these points as I described there, such as patriarchy, communalism and colonialism. तो ये सारे examples हो गए, मतलब ये सारे forms हो गए structural violence के. Move to a further point which is eliminating violence. Now हमने वायलेंस देखा कि किस तरीके से वायलेंस बढ़ता है, कैसे होता है एंड क्या क्या फॉर्म्स हैं उसकी. नाउ क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि कैसे जो है वायलेंस को हटाया जाए. वायलेंस हटाने के लिए जो है एक जो पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसका ये मानना है कि जो युद्ध है वो कहाँ से शुरू होता है, मतलब वॉर कहाँ से शुरू होता है. हर चीज़ हमारे माइंड से स्टार्ट होती है, मतलब हम कुछ भी करने से पहले सोचते हैं. तो यानी जो वॉर है, हमारे वॉर जो है सबसे पहले हमारे माइंड में स्टार्ट होता है. अगर वहीं से ये एलिमिनेट हो जाए तो वायलेंस भी अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा. बट ये कैसे एलिमिनेट हो, मतलब जो हमारे दिमाग में जो वॉर स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट होता है. कोई भी हम काम करते हैं, अगर कोई भी हम गलत काम करने जा रहे हैं तो उसकी जो उपज है, मतलब जो इनिशियल स्टेज है, वो कहाँ से स्टार्ट हुई, हमारे दिमाग से. हमने पहले सोचा, बाद में हम उसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश कर रहे हैं. तो अगर हमें वायलेंस को एलिमिनेट करना है तो कई सारे स्पिरिचुअल्स वे हुए, जैसे कि हम ध्यान लगा के कर सकते हैं एंड कई सारे और वेज हुए, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट्स वगैरह होते हैं, वो कहते हैं दिमाग में जो है शांति करने के लिए कई सारे एक्सरसाइजेस भी होती है. तो ये एक वे है एलिमिनेट करने का, मतलब वायलेंस जो है आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं. अगर आप देखेंगे जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी हुए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मतलब सभी लोग जो है, जो उनकी जो रिलीजियस बुक है वो कहीं ना कहीं, कहीं ना उनका जो लास्ट जो गोल है, मतलब जो उनका जो संदेश जाता है, वो उनका जो मैसेज जो जो रिलीजियस बुक कन्वे करती हैं, वो ये करती हैं कि सभी धर्मों में, सभी लोगों में जो है पीस होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए. तो ये जो रिलीजियस बुक है, ये जो रिलीजन है, वो भी एक पीस का मैसेज कैरी करते हैं. तो इस तरीके से जो है हम वायलेंस को एलिमिनेट कर सकते हैं. नाउ हियर वी फिनिश्ड दिस टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट्स. लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.